जनपद रामपुर में नगर पालिका द्वारा इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत आज राह मुर्तजा पर नगर पालिका की टीम पहुंची और दुकानों को तोड़ने के लिए जेसीबी साथ में थी। नगर पालिका ईओ के साथ सिटी मजिस्ट्रेट भी साथ में मौजूद थे। जैसे ही टीम वहां पहुंची, तुरंत ही उन दुकानदारों ने इसकी सूचना उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी को दी। संदीप अग्रवाल सोनी अपने लाव लश्कर के साथ तुरंत ही राह मुर्तजा पर पहुंचे और दुकानों के आगे धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि पहले इन दुकानदारों को तोड़ने से पहले इन्हें कहीं दूसरी जगह दुकान देकर शिफ्ट किया जाए, क्योंकि इन दुकानदारों से कई लोगों के परिवार पलते हैं और ये दुकानदार लगभग 20 सालों से यहां पर अपना रोजगार कर रहे हैं। बहरहाल काफ़ी देर तक संदीप अग्रवाल सोनी और व्यापार मंडल के सभी व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद नगर पालिका ईओ और सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से आश्वासन दिया गया कि पहले इन्हें कहीं दूसरी जगह आवंटन की जाएगी, उसके बाद में इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। उसके बाद नगर पालिका की टीम बिना अतिक्रमण हटाए वहां से चली गई। नगर पालिका की टीम आई थी और वो इनको जेजीबी से इनकी दुकानें उजाड़ रही थी। हमने उसको रोका। हमारा ये कहना है कि जेजीबी से दुकानों को मत उखाड़ो। वो इन पर डंडे लाठी डंडे की धमकी दे रहे थे। उसके बाद लाठी डंडों के बाद गोली डंडों की कत्लेआम की धमकी दे रहे थे कि भाई आपका यहाँ पे खून खराबा हो जाएगा। हमने उनको समझाया है इस तरीके से जबरन मत उजाड़िए, अगर आपको जानना है तो सबसे पहले इनको जगह दीजिए। अब उन्होंने रोशन बाग का वायदा किया है, रोशन बाग में वो जगह देंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री गलियारा माननीय विधायक आकाश सक्सेना जी बनवा। पुरानी दुकान है, 30 साल पुरानी दुकान है। नगर पालिका किराया देते हैं, नगर पालिका का अलाटमेंट है, बिल्कुल किसी कीमत पर मनमर्जी से नहीं उजाड़ा जा सकता। इनको पहले जगह दें। माननीय मुख्यमंत्री जी देश हित में प्रदेश हित में कार्य कर रहे हैं जनता व्यापारी समाज के लिए, वो भी यही कहते हैं गरीबों को पहले जगह दो बाद में उजाड़ो। बापू माल पूरा खाली पड़ा है ऊपर का, क्या तो बापू माल में जगह दे दो, वरना प्रधानमंत्री गलियारा जो माननीय विधायक जी तैयार करा रहे हैं रोशन बाग में, उनमें इनको दुकान दे दी है। यही बात ईओ से सहमति हमारी बनी। अब क्या आश्वासन मिला आपको? नगर पालिका ईओ महोदय ने आश्वासन दिया है कि आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री गलियारे में इनको दुकानें दी जाएंगी, उसके लिए ये लोग प्रयास करेंगे और माननीय विधायक जी जो गलियारा बनवा रहे हैं उसमें इनकी लिस्ट बनकर जाएगी और इनको दुकानें प्रदान होंगी। उसके बाद में ये अपनी दुकानें हटाएंगे और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हमारा एक ही कहना है, अगर किसी को हटाना है, किसी को जाड़ना है, तो उसकी बद्दुआ मत लो, उसके साथ अत्याचार मत करो, उसको कुचलो मत, उसको दूसरी जगह दे दो ताकि उसके बच्चे भी पलते रहें।